पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने गुरुवार को ठुकरा दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उसके भारत में प्रत्यर्पित किए जाने को लेकर मंजूरी भी दे दी। कोर्ट ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। इस दौरान जज सैमुअल गोजी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब पूरी तरह से साफ है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने होंगे। भारत में जाने पर उसे दोषी करार दिया जाने की पूरी संभावना है। जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से दिए कई बयान आपस में मेल नहीं खाते, पहली नज़र में सबूत नीरव के खिलाफ जाते हैं। फिलहाल लंदन की कोर्ट के इस फैसले के बाद नीरव को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो चुका है। हालांकि उसके तुरंत बाद भारत आने की संभावना नहीं है, लिहाजा कोर्ट के फैसले के बाद नीरव मोदी के पास ऊपरी अदालत में जाने का भी विकल्प है। वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। इसके अलावा उसके पास मानवाधिकारों की बात रखने के यूरोपीय अदालत में जाने के विकल्प हैं। फिलहाल उसके तुरंत भारत आने की संभावना नहीं लग रही है।